रिकॉर्ड फिक्सिंग पर धोनी ने तोड़ी चुप्पी। महेंद्र सिंह धोनी अपने हाव भाव से कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं करते हैं, वह हमेशा हर सवाल का जवाब खेल कर देते हैं। हालांकि हर खिलाड़ी के करियर में कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जिसका जवाब वो खेल कर भी नहीं दे सकता है। इस बीच आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में अब धोनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। धोनी ने कहा कि लोगों को लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं और लोग पूछते नहीं है कि आप कैसे हो। मैंने इसका सामना ऐसे ही किया, मैं इस बारे में दूसरों से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अंदर से यह मुझे खुदे रहा था। मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज का असर मेरे खेल पर पड़े, मेरे लिए क्रिकेट सबसे अहम है। इस दौरान आईपीएल 2013 मैच फिक्सिंग प्रकरण को अपने जीवन का सबसे कठिन और निराशाजनक दौर बताते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने सवाल दागा कि खिलाड़ियों का क्या कसूर था। दो बार के विश्व कप विजेता कप्तान ने रोल ऑफ द लायन डॉक्यूड्रामा में इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। भारतीय क्रिकेटर को झंझोर कर रख देने वाले इस प्रकरण में प्रबंधक की भूमिका के कारण चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल का प्रतिबंधन झेलना पड़ा। धोनी ने कहा कि 2013 में मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था, मैं कभी इतना निराश नहीं हुआ जितना उस समय था। इससे पहले विश्व कप 2007 में निराशा हुई थी जब हम ग्रुप चरण में ही हार गए थे। तो अमेनेसिंग लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अमेनेसिंग ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।